दिल्ली में जिस तरीके से वो बैठे हुए थे और भाजपा से उनकी बातचीत नहीं हुई, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार को भी लगा कि अब भाजपा कहीं अपने मंसूबे में सफल न हो जाए, इसलिए लौकुश समीकरण को साधे रखने के लिए एक बार वापसी करा के देखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से तो एक बार खबर ये भी आई कि किसी को दूत को अपने भेजा गया था आरसीपी सिंह को मनाने के लिए और वापसी के लिए। नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर अमित सिंह ने अब भी हमला ही किया। दिल्ली में काफी दिनों तक आरसीपी सिंह इस इंतजार में बैठे रहे थे कि उनकी मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से होगी। भाजपा से मुलाकात के दौरान ये भी स्पष्ट उन्हें करना था कि आगे की रणनीति उनके हिसाब से और भाजपा के हिसाब से एनडीए में उनके लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, बीच में कयास तो बहुत लगाए गए, आरसीपी सिंह किस तरफ जाएंगे। कई बार ये चर्चाएं भी हुई कि भाजपा उनको लेकर एक अच्छी रणनीति बना चुकी है, उनसे लौकुश वोट को नीतीश कुमार से अलग करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बीच बीच में भाजपा की तरफ से कुछ खास इस मुद्दे पर प्रोग्रेस नज़र नहीं आने की वजह से ये भी चर्चाएं होने लगी कि क्या आरसीपी सिंह वापस नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से तो एक बार खबर ये भी आई कि किसी को दूत को अपने भेजा गया था आरसीपी सिंह को मनाने के लिए और वापसी के लिए। ये तब किया गया था जब नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि भाजपा नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए अब लौकुश समीकरण को तोड़ने की तैयारी कर रही है। खास बात यह हुआ कि आरसीपी के जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू छोड़ चुके हैं। अब जदयू उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद नीतीश कुमार को भी लगा कि अब भाजपा कहीं अपने मंसूबे में सफल न हो जाए, इसलिए लौकुश समीकरण को साधे रखने के लिए एक बार वापसी करा के देखते हैं। अब जो भी हुआ वो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में हुआ, ये बातें सार्वजनिक पूरी तरीके से नहीं हुई हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से वो बैठे हुए थे और भाजपा से उनकी बातचीत नहीं हुई, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार उनके साथ में जो लोग आरसीपी सिंह के साथ जदयू छोड़कर गए थे और उनके साथ खड़े थे, उन लोगों में भी अब संशय हो रहा है आखिर आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी। क्या नीतीश कुमार के साथ वापसी करने जा रहे हैं आरसीपी सिंह? तो एक बात तो है कि उनके प्रवक्ता अमित सिंह ने और जो अन्य लोग हैं उन्होंने लगभग ये बातें कई बार कही कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि कन्हैया सिंह ने यह दावा किया था कि सब चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं और समय पर सब कुछ आपके सामने होगा, लेकिन देरी लगातार होती जा रही है इस मामले में। ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले पर आरसीपी गुट ने काफ़ी खुशी जाहिर की है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव किया और आज उनकी रिहाई हो भी गई, इस पर अब कहीं ना कहीं आरसीपी गुट के जो खास तौर पे राजपूत बिरादरी के लोग थे वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अमित सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि जिस तरीके से आनंद मोहन बाहर आ रहे हैं इससे राजपूत समाज खुश है। ये फैसला देर सवेर सरकार को लेना ही था। अच्छी बात है कि सरकार ने इसे फैसले को जल्दी से जल्दी ले लिया, क्योंकि इससे एक बड़े समाज को राहत भी मिलती है और जिस तरीके से ये प्रकरण लगातार खींचा जा रहा था इससे भी नाराजगी राजपूत समाज में थी, जो अब कहीं ना कहीं शांत होती है। हालांकि नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर अमित सिंह ने अब भी हमला ही किया, लेकिन जिस तरीके से इस आनंद मोहन के प्रकरण पर आरसीपी गुट नीतीश कुमार के फैसले को वेलकम कर रहा है, इससे भी एक मैसेज स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है। शायद आरसीपी सिंह दोनों ऑप्शंस खुले रखना चाहते हों, भाजपा से कोई बेहतर ऑफर नहीं मिलने की वजह से वो भाजपा की तरफ नहीं जाना चाहते हों, या भाजपा द्वारा दिए गए ऑफर को और इम्प्रूव करने के लिए, उसे बड़ा बनाने के लिए नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हों। जो भी कर रहे हों आरसीपी सिंह, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के फिर एक होने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच आनंद मोहन के फैसले पर आरसीपी गुट का नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ा होना कहीं ना कहीं इस चर्चा को और आग देता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।